नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर्ल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अंदर बाहर टारगेट पर हिंदू। बांग्लादेश में आंदोलन तो सत्ता बदलने के लिए हुआ था, लेकिन लगता है पीएम शेख हसीना के साथ साथ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने वहां के हिंदुओं को भी देश से बाहर निकालने की साजिश रच रखी है। जिस तरह से कट्टरपंथियों के इशारे पर बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनकी बहन बेटियों को अगवा किया जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनके उद्योग धंधे चौपट किए जा रहे हैं, उसे देखकर अब यह साफ लग रहा है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को वैसे ही खदेड़ने का षड्यंत्र है जैसे कभी कश्मीर से हिंदुओं को रातों रात खदेड़ दिया गया था। अब जब कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था, उस वक्त ही इस देश की सेक्युलर बिरादरी शांत बैठी हुई थी, आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर विभत्स अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की पैरवी और चिंता करने वाले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रही इन घटनाओं पर मौन साधकर बैठे हुए हैं। इन चुप्पी साधने वालों में समाजवादी पार्टी जैसे दल भी शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कथित दुर्दशा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं और अक्सर हिंदू कट्टरपंथ का शिगुफा छोड़कर एक तरह से अल्पसंख्यकों की कथित दुर्दशा के लिए हिंदू समाज को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसी दोहरे मापदंड के कारण भारत भूमि से लेकर बांग्लादेश की भूमि तक हिंदू निशाने पर हैं। और हिंदुओं की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, फिर भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां क्यों पैदा हुई। सीएम योगी ने कहा, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता उसके भविष्य पर ग्रहण लगता है, लेकिन भविष्य पर ग्रहण तो तब भी लग सकता है जब अपनी निरपेक्षता और निष्पक्षता का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल से सिलेक्टिव प्रतिक्रियाएं मिलने लगे। देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर हाहाकार करते हैं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की स्थिति पर मौन साध लेते हैं, आखिर उस चुप्पी के पीछे रणनीति क्या है? आज समझने की कोशिश करेंगे, तमाम होंगे सवाल, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो आपको सुना देते हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके व्यापार को खत्म किया जा रहा है, तो ये तो सोचने का विषय है बहरहाल। लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि आपके जो अन्यथा अदरवाइज पत्रकार हैं उन्होंने करी है, अभी बांग्लादेश के कई पत्रकारों ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। मुल्क का एक अंग आपका मणिपुर भी है, वहां भी हमारी हिंदू बहनें रहती हैं, वहां पे भी लोग हिंदू रहते हैं, लेकिन कम से कम आपके प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि एक बार मणिपुर भी दौरा किया जाए, मणिपुर का भी जायजा लिया जाए, मणिपुर की भी बहनों की इज्जत आबरू का ख्याल रखा जाए, उनका पूछा जाए कि क्या किस हिसाब किताब में वहां के लोग हैं, कैसे अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वहां की चिंता आपको होनी चाहिए, पड़ोसी मुल्क की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि आज से नहीं, हमारा दर्शन जो श्रुतियां हैं वही संस्कृति है और हमारा वैभवशाली गौरवशाली हमारी संस्कृति है, रही है, और यही कारण है कि उस पर बराबर लोग उससे आकर्षित हुए हैं और आकर्षित होकर के लोगों ने सनातन पर आक्रमण किया है, लेकिन फिर भी सनातन का कोई अभिष्ट नहीं हुआ। आज भी सनातन उतना ही मजबूत है, बस इतना ही है कि पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारतवर्ष है जो सभी सनातनियों के लिए धरती है। आज पूरे विश्व में जो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जिस प्रकार से मंदिरों पे हमला हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको लेकर देश की सियासत में यानी भारत में उसको लेकर कई सवालात उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि मौन या चुप्पी, इशारा किस तरफ मिली, उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अपर्णा दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुई हैं, विनय मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत। अपर्णा जी आपसे शुरुआत करूंगी, और ये पूछा जा रहा है कि इस मामले में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि इतिहास के पन्नों को टटोलिए तो बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन इतिहास के पन्नों से इतर निरपेक्षता निष्पक्षता के साथ लोगों के बारे में वो अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आपके विपक्षी दलों की बात करें तो वहां से शायद सिल लिया है लिप्स को, अपने होठों को, क्या कहेंगे?
जी अपर्णा जी की ऑडियो दीजिए, म्यूट तो नहीं है मैडम, एक बार देख लीजिएगा। विपक्ष जो कह रही है उस पर चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल बस मैं इतना कहूंगी कि आखिरकार जो ये बांग्लादेश में हिंसा का कारण था वो आपस की लड़ाई थी, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम थी, लेकिन जब लड़ाई बढ़ गई तो ये अचानक से इतनी कट्टरता आई कहाँ से कि अचानक से हिंदुओं के घरों को जलाने लग गए, हिंदुओं की बच्चियों के रेप करने लग गए। और लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं भी सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अभी तथ्यात्मक रूप से ये पुष्टि नहीं की गई है वहां के लोकल पत्रकारों द्वारा कि वहां पर इस तरीके की हिंसा हिंदुओं पर हो रही है, जबकि कल से लेकर आज तक जो मैं मीडिया चैनल देख रही हूँ उसमें बाकायदा वीडियो द्वारा पुष्टि की जा रही है वहां के पंडित जो इस्कॉन टेम्पल है उसको किस तरीके से जर्जर कर दिया, वहां के और भी कितने स्थानीय टेम्पल है, लगभग 27 जिलों में टेम्पल है बांग्लादेश में, उस तरीके से जर्जर हमको निस्तंभूत कर दिया, आग लगा दी गई है लोगों के घरों में, आग लगाई क्रिकेट है जो हिंदू उसको तक आग लगा, क्रिकेटर है हिंदू उसको भी उसके घर में आग लगा दी गई है। तो ये नुकसान आखिरकार हिंदुओं को झेलना पड़ रहा है, ये सब आ क्यों रहा है? जब इनके हौसले बुलंद होते हैं, इनकी कट्टरता आबादी सोच जो बुलंद होती है, जब इनको निरंकुशता मिलती है, इनके पीछे खड़े हुए लोग इनको ताकत मिल जाती है, तो इनके अंदर कट्टरता आ ही जाती है छुपी हुई कट्टर। ठीक है मैडम, पिछले टाइम रेप कांड हुआ है अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ, उस तक के साथ राजनीति हो गई, वो टॉपिक पर हम डिबेट कल कर चुके हैं मैडम, तो लौटूंगी रुक जाइए। वो अपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पर बात कर रही हूँ मैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 20% लोगों में ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए किसी भी तरीके से कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता है, तो यहाँ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की बात हो रही है। रुकिए ठीक, रुकना होगा। विनय जी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आवाज बनती है समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी भी स्टैंड लेते हैं, लेकिन वहां के बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं यानी वहां के हिंदू, उनके साथ किसी तरह का कोई भी आपका बयान नहीं आता है उनके लिए? ये पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ के हिंदुओं से सरोकार नहीं है आपका, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ आपकी पॉलिटिक्स भिन्न हो जाती है या सिलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग जब बात समुदायों की हो रही होती है? क्या जवाब है आपके पास सर? जी विनय जी माफ कीजिए, ये सवाल मेरा चंचल जी से था, रुकिएगा चंचल जी। जी चंचल जी परुली देखिए, ये वो लोग हैं जो सदैव देश को बांटने की साजिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी बाज नहीं आती जब देश की स्थिति की बात हो रही है, विदेश से जो हमारे विदेश नीति को लेकर सवाल उठते हैं, जब हम किसी बाहर देश के ऊपर हमारे देश को कभी आफत आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, हम सब लोग एक हैं। आपको याद होगा जो हमारी मीटिंग परसों थी, हमारे जो विपक्ष से लेकर पूरे देश की जो मीटिंग, सारी पार्टियों की मीटिंग, सब लोगों ने एक सुर में होकर ये बात का जिक्र किया कि हम सरकार के हर डिसीजन के साथ हैं। अब आप बताओ ये मैडम यहाँ भी राजनीति खेल रही है, हिंदू मुसलमान, ये वो लोग हैं जो केवल बांटने की राजनीति करते हैं। 20% 80-20 की बात करती है, हमारे मुख्यमंत्री 80-20 की बात कर चुके हैं, ये भी बात कर रही है 80-20 की बात कर रही है। अरे क्यों बांटना चाहते हो आप लोग? अभी आपने बांग्लादेश का हालत देखो, ये बांटने की ही साजिश की वजह से बांग्लादेश का हालत हुई है। और मैं तो बताऊं एक बात और पारोली बता दूं, शायद हो सकता है आज के समय में सोशल मीडिया बहुत तेजी से तैर रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जिसके राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े हो रहे हैं, जिन राष्ट्राध्यक्ष के साथ जो है उनका गहरा लगा होता है, वो बेचारे बर्बाद हो जा रहे हैं, चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे श्रीलंका के जो है आपका राजपक्षे हो, चाहे आपने देखा होगा ट्रंप साहब रहे हो, कई सारे रहे हो, तो उसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। सुन लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए, मैं बात आ रहा था। अभी आप देखिए, आज देखिए, अगर हमारे भारत देश की विदेशी नीति की बात करें, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है एकदम धराशायी हो चुकी है, हमारे जो सीमा से जुड़े हुए देश हैं, हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश मामले में स्टैंड है सपा का, कोई नहीं है, कोई स्टैंड है, किसके साथ है, क्यों है, क्या पत्रकारिता आप लोग करते हो? पूरा स्टैंड क्लियर है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष खड़ा है, देश की किसी भी स्थिति के लिए हम विपक्ष के लोग एक जाई होकर के
देश सरोपरि है, इस पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में जो आवाम है, जो जनता रह रही है, ये विपक्ष को उसके बारे में कोई स्टैंड है नहीं। हम सब देख लेंगे, इनकी क्या जरूरत रहेगी। ये लोग तो वो लोग हैं केवल हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अरे मैं आपका स्टैंड कैसे घुमा क्यों रहे हैं सब आपको अपने? और आप लोग भी डिबेट में केवल हिंदू मुसलमान की बात करती हो, क्या बात वहाँ करोगे? क्या सर्कस थोड़ी ना चल रहा है वहाँ? हो ही हिंदू मुसलमान रहा है, बात सुनिए मैडम, वहाँ हो ही हिंदू मुसलमान रहा है सर, वहाँ सर्कस नहीं चल रहा है। मुद्दा ये है, अयोध्या में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और मुंह की खानी पड़ी सरकार को, वहां पे अस्पष्ट मान हो गया। एक दिन ज्यादा आ गए मेरी डिबेट में, मैं ये मुद्दा कल कर चुकी हूँ, कल इस पर बात कर चुकी हूँ। आज मेरा जो डिबेट है बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वहाँ के अल्पसंख्यक, सवाल सुनिए चंचल जी, एक तो आपकी आदत इस मामले में गंदी है, क्या आप सवाल नहीं सुनते हैं? सवाल सुनना सीखिए और उसके बाद जवाब दीजिए। सिर्फ आपको आपको आपकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहाँ, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब चाहिए मुझे। दीजिएगा तो बेहतरीन है, नहीं दीजिएगा तो आगे दूसरे मेहमान की तरफ चली जाऊंगी। सुनिए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन किया जो है ना सत्ता की, मेरी बात तो आ जाने दो, आप तो बीच में बोल रहे हो। मैंने आपने आपने बांग्लादेश के ऊपर आपने जो डिबेट रखी है मैं उसकी बात रख रहा हूँ, तो आप मेरी बात सुनिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, आज अगर देखें, आज हमारे देश की स्थिति देखिए, चाहे मालदीव हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, आपको याद होगा श्रद्धेय नेताजी हमेशा इस बात का जिक्र करते थे पारुली, कि अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो चाइना है। हमें इस बात का हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे पास जो हालात है उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? मैं चाइना नहीं लेकर जा रही सर। अरे मैडम सुन तो लो पूरी बात, मैं जानता हूँ नेताजी तो बहुत कुछ कहते थे, अभी क्या पूरा हो रहा है उनका काम? अरे उसी स्टैंड में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी स्टैंड में बात कर, पूरी बात में जाने दो आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको याद होगा श्रद्धेय नेताजी लोकसभा चाहे 15 अगस्त से 26 जनवरी हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना की साजिश का ही बांग्लादेश हिस्सा है। मैडम आप जान लो, आज हालत यह है, आपने देखा होगा कि जो है बेगम खालिदा जिया जो अभी उनको रिहा कर दिया गया, चाइना समर्थक है, और आपने देखा होगा जिस तरीके से चाइना मैं बैठूंगा। आप लोग केवल आपका एक काम केवल है कि बीजेपी करण जी कहिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं बेहद जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि यदि आंख आ जाए, आप आ जाए, आई फ्लू हो जाए, तो उसकी दवा तो बाजार में उपलब्ध है, पर आज आंख खोलने की दवा बांग्लादेश में मिल रही है। जहां जहां जब जब हिंदुओं का नरसंहार होता है, हमारे जितने भी नेता हैं या तो मौन साध लेते हैं या जो कुछ प्रतिक्रिया देते हैं तो उनकी केवल प्रतिक्रिया तक ही सरकार को बोलो चूड़ियां पहन ले, फिर पंडित जी करण सिंह जी बोलो सरकार को चूड़ियां पहन ले, सरकार में बैठे हुए कौन सवाल उनसे पूछ रहे हैं? बोल रहा था ऐसे डिबेट नहीं होती है, आपकी बातें मैं नहीं बोला, आप मुझको सुने नहीं, मुझे बोलने का नहीं, बीच में बोलती रह गई ये तो सुनिए, आप एजेंडा चलाने के लिए बैठे हो, एजेंडा चलाते रहो। सर आपको कौन सा गन पॉइंट पे बिठा के रखा है? आपको इनवाइट करते तो आपको गन पॉइंट पर थोड़ी ना बुलाते हैं। अरे मैडम सुनिए, आपके एजेंडे में नहीं समाजवादी लोग आने वाले, एजेंडा चलाने के लिए आपको आपको गन पॉइंट पर तो बैठा कर नहीं रखा है ना, आप क्विट कर लीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए इनको, डिस्कनेक्ट कीजिए, ये आप बोलने नहीं देते, आपको आप जवाब जिस बात पर नहीं देना चाहते आप इधर उधर लेकर जा रहे मेरे डिबेट को, मैं जाने थोड़ी ना दूंगी। करण जी कहिए, बांग्लादेश में हो रहा है आने वाले समय में ये भारत में भी हो सकता है, ये ट्रेलर है, ये चारों तरफ से भारत को घिरा जा रहा है। पहले नेपाल को एक सुनियोजित तरीके से जो हिंदू राष्ट्र था उसको एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया गया, अब बांग्लादेश, पहले उसके बाद अफगानिस्तान में देखिए, अभी 3 साल पहले 2 साल पहले ही जो भारत के पक्ष में इसका रुख रहता था थोड़ा बहुत, वहां पे तालिबानी शासन लाया गया जो कट्टर इस्लामिक है, जो भारत का कट्टर विरोधी शासन वहां पे लागू हो चुका है। बांग्लादेश जो भारत के बहुत ही करीब था और भारत के हितों के साथ में काम कर रहा था और भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर था, उस बांग्लादेश का भी अब जो नई सरकार बनेगी निश्चित तौर पे वो कट्टर इस्लामिक सरकार बनेगी और बांग्लादेश की ओर से भी भारत को घेर लिया जाएगा। जो भारत में जो पूरी हिमालय बेल्ट है, पूरी हिमालय बेल्ट
उसका लगभग लगभग इस्लामीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, हर जगह कन्वर्जन। ये जो आग बांग्लादेश में लगी है करण जी, उसकी जो चिंगारी है, जो आग की जो तपिश है, वो यहाँ देश में महसूस की जा रही है और सियासतदानों ने उस पर भी रोटियां सेकना शुरू कर दी हैं। हमारा कोई भी भाई अगर मारा जा रहा है, हिंदू, वहां के हिंदू हमारे ही हिंदू है, वो 47 में भारत ही था, विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। आज मुसलमान जो पश्चिम बंगाल में भारत में रह रहा है पूरी तरह सुरक्षित है, पर जो मुसलमान जो हिंदू अफगानिस्तान में थे समाप्त कर दिया गया, 50 हिंदू बचे केवल अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में हिंदू जो 25% का, आज 1% भी नहीं बचा है। कहा जाता है कि 1% हिंदू को हमने इसलिए रख रखा है कि हमारे पखाने का हिसाब करेगा, ऐसे वहां के पाकिस्तानी मुस्लिम बोलते हैं। और जो बांग्लादेश में कुछ हिंदू थे 8% जो पहले 30% थे 25 साल पहले, तो वहां पर भी हिंदुओं को समाप्त करके बहुत बुरी तरह से नरसंहार हो रहा है, और हिंदुओं को समाप्त करके वहां पे कट्टर इस्लामिक सरकार स्थापित की जाएगी और चारों ओर से भारत को घेरा जाएगा। और जो हमारी मोदी सरकार है, पिछले 9 वर्षों से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, पिछले 9 वर्षों से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बल्कि आरएसएस और भाजपा के ही जो कार्यकर्ता है उन्हीं के ही अधिकांश उनके साथ में हस्ते हो रहे हैं। लेकिन ये जो बयान करण जी आना शुरू हो गए, इस पर छोटा सा अपना कमेंट कीजिएगा, उसके बाद विनय जी के पास जाऊंगी, कि ये जो बयान सामने आने लगे हैं, खुर्शीद साहब कह रहे हैं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के जो बांग्लादेश बन जाएगा, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी जवाब, ये मैंने कहा ना सियासत की तपिश यहाँ महसूस की जा रही है। और हमारी मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में जब हिंदू नरसंहार होता रहा तो हिंदुओं के हित में उसने काम नहीं किया, तो अब बांग्लादेश के हित में कैसे काम करेगी? मेरी सरकार से बिना निवेदन है कि आज भी एक मौका है सरकार के पास में, सरकार अपनी हिम्मत दिखाए, हिंदुओं के साथ में खड़ा हो। केवल त्रिकोण लगा घूमने से कुछ नहीं होगा, आप हिंदुओं के साथ में खड़े क्यों नहीं है? आज एक ही सवाल मैं लेकर जाऊंगी अपर्णा जी, लेकिन उससे पहले मैं विनय जी के पास चली जाती हूँ उनकी टिप्पणी लेने के लिए, क्योंकि कई बुरे हालात हैं इस वक्त बांग्लादेश में और उसको लेकर हो रही सियासत, एक तरफ अखिलेश जी चुप हैं और दूसरी तरफ आपकी तरफ से जो सलमान खुर्शीद साहब हैं या फिर मध्य प्रदेश से सज्जन सिंह वर्मा साहब हैं, उनका ये कह देना कि भारत में भी इसी तरह के हालात, ये भविष्यवाणियां जो की जा रही हैं देश में बांग्लादेश को लेकर, ये कहां तक सही है सर? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए जी, कहिए, क्यों नहीं आवाज आ रही है विनय जी की, चेक कीजिए सर, नहीं हुआ है अनम्यूट आपके पास से समथिंग इज रॉन्ग आई गेस। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, कि देखिए अभी 2015 में जब मोदी सरकार बनी, मैं आऊंगी आपके पास, विनय जी को प्लीज चेक कर लीजिए, नहीं आ रही है उनकी वॉइस, आप ही की बातों का जवाब मैं लेने के लिए अपर्णा जी के पास जा रही हूँ। अपर्णा जी, अभी करण जी ने कहा कि अब जो है दिखाना चाहिए एक सशक्ति कि आप खड़े हुए हैं हिंदुओं के साथ, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या जवाब है? कई सारी चीजें और भी कही उन्होंने, कही जी, कही अपर्णा जी, अभी करण जी ने कहा कि बीजेपी को भी ये साबित करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके बाद बीजेपी वहां पर बहुत कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाई हिंदुओं के लिए, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए आप एक कदम आगे बढ़ाकर दिखाएंगे तो शायद एक अच्छा संदेश हिंदुओं के बीच आपकी पार्टी को लेकर जाएगा, त्रिपुण लगाने से कुछ नहीं होता, वो कह रहे हैं। पारुल जी, सबसे पहले तो कितना शर्मिंदा करके गए हैं किसी न्यूज चैनल को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये काफी अफसोसजनक है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा इससे वो नहीं रखती, इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। दूसरी बात ये है कि समाजवादी की पार्टी या फिर कोई भी विपक्ष हो जी, जी। तो जब भी बात आती है 20% वाले लोगों की, तो अचानक से उठेंगे और तिलमिला जाएंगे, जो कि आज आपके साथ भी हुआ है, वो आज मीडिया पर सवाल उठाएंगे, बीजेपी पर सवाल उठाएंगे, आरएसएस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अपने ऊपर कभी गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि वोट बैंक के चक्कर में इन कट्टरवादियों को आखिर आप कितना और मजबूत करोगे। आपको अपना देश देखना चाहिए, आप उनका समर्थन करोगे जो कट्टरवादी हैं, आप उनका समर्थन नहीं करोगे सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप भारत देश में रहते हैं, आपको भारत की चिंता होनी चाहिए, और तब आप पहले भारत है, पहले एक देश है, उसके बाद एक पार्टी होनी चाहिए, उसके बाद आप होने चाहिए, लेकिन इनके लिए सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राथमिकता है और वो लगातार ऐसा ही करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी
चिंता नहीं करती हिंदुओं की, ये सबसे ज्यादा हास्यपद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में जो हालात हुए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये प्रयास करती आ रही है कि किसी भी तरीके से जो हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है वो कम हो, लेकिन वहाँ की राज्य सरकारों द्वारा प्रयास बताइए आपने क्या प्रयास किया वहाँ के लिए, जगदीप धनखड़ साहब को क्यों हटाया? जगदीप धनखड़ साहब जब वहाँ के हिंदुओं के मुद्दे उठा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हिंदुओं की है, जब राज्यपाल थे वहां पर, तो जगदीप धनखड़ साहब ने तमाम मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि अगर मैं सच्चाई बता दूंगा तो देश में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे। इसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर, बल्कि जगदीप धनखड़ साहब को वहां से हटा दिया गया राज्यपाल पद से, और जब विरोध राष्ट्रपति बना दिया गया। प्रश्न लंबा हो जाएगा, बड़ा आपने वहां के हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। चुनावी सभा में बनाया है संदेश काली चुनावी सभा में बनाया है। एक सेकंड सब सारे बोलने लगे आप लोग, एक सेकंड छोटा सा जवाब दीजिए अपर्णा जी, विनय जी के पास चले जाऊंगे। कहिए, छोटा सा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि वहां के लिए एक्टिव नहीं कर रहे, आ रही हूँ और पुलिस द्वारा मुद्दे उठाए जाते हैं वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा, जब भी कोई हिंसा होती है तो ताकत से सब इकट्ठे होते हैं, सब खड़े होते हैं। ठीक है, उनका यही कहना है अपर्णा जी कि अगर स्थितियाँ वहाँ पर विकट थी तो विभत्स वहाँ पर हैं, वहां पर कैसे आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, लौट रही हूँ। विनय जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, सवाल मेरा वही था कि जिस तरह की बयानबाजी आपके नेता दे रहे हैं वो कहाँ तक सही है जी? देखिए, हमारे नेता जो दे रहे हैं आज, केवल उन्हीं की बयानबाजी नहीं है बल्कि हर भारतीय के मन में एक आशंका है कि आने वाले कल में जो आज पड़ोसी देशों के साथ हो रहा है वो स्थितियां हमारे देश में क्या उत्पन्न हो जाए। पहली चीज ये कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के लोग, तो अगर हम भारत के लोग हैं तो इस बात को हम ये कहीं से नहीं कह सकते कि हम केवल हिंदुओं की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। हम हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, मुसलमानों के बारे में नहीं बोलेंगे, और हम केवल मुसलमानों के बारे में बोलेंगे और हिंदुओं के बारे में। आप तो बेहतरीन वक्ता हैं, और वहाँ बांग्लादेश में जो कंडीशन है वहाँ पर विवाद तो कुछ और ही था, वहाँ हिंदुओं को तो जबरदस्ती बीच में घसीटा गया, तो बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं, तो फिर जो आप स्थिति को भारत से जोड़ने की कोशिश करते हैं ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, हिंसा कहीं भी किसी भी देश में हो, अपने देश में हो या पड़ोसी देश में हो, वो उचित होती ही नहीं है। अगर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से सरासर गलत है, और इस पर रोक लगाने के लिए हमारे देश की सरकार को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि ये तख्ता पलट अचानक में हुआ और हमारे देश की सरकार ने केवल हिंदू मुस्लिम को करना सीखा है, हमारे देश में हिंदुओं को भगाने का काम, बांग्लादेश जैसे हालात में देखना, ये सोच भी कोई कैसे सकता है? देखिए, जब अपने देश में हम हिंदू सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो हम पड़ोसी देश में कैसे सुरक्षित करेंगे? अभी हमारे साथी प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे थे, बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने उठाया कि कैसे पश्चिम बंगाल में जब हिंदू सुरक्षित नहीं हो पा रहा है तो कैसे वो बांग्लादेश सुरक्षित हो पाएगा? हमारे देश में जो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, क्या किया है वो? ठीक है, अपर्णा जी छोटा सा जवाब। मोदी जी ने देश में हिंदू मुस्लिम करने के लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। तो अब बात आ रही है बांग्लादेश में, अपर्णा जी 10 सेकंड में अपनी बात रखें, समय इजाजत नहीं। समस्या ये नहीं है, सलमान खुर्शीद को आखिरकार ये बयान देने की जरूरत क्या थी कि ऐसे हालात भारत देश में भी हो सकते हैं? क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में किया है भारत देश में हो सकता है? आप इतने पढ़े लिखे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, बयानबाजियों का दौर पूरे देश में शुरू हो गया है बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए, और कांग्रेस के नेता अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, वहीं सपा का ये कहना है कि वो सत्ता पक्ष के साथ हैं लेकिन उनका स्टैंड क्लियर क्या है वो एक लफ्ज में भी बयान नहीं कर पाए, पुरानी घटनाओं का जिक्र करते रहे। उसके साथ ही उन्होंने चाइना से निकला हुआ बांग्लादेशी भी जोड़कर बता दिया, लेकिन आज के सिनेरियो में, आज की परिस्थितियों में जो कुछ हो रहा है उस पर स्टैंड लेने से वो कतराते हुए पूरे डिबेट में नजर आए। और इसके अलावा भी आपने देखा कि किस तरह से सवाल जवाब हुए, लेकिन अंततः स्थिति जो बांग्लादेश में है वो हिंदुओं की दयनीय है। वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बहुत खतरनाक स्थिति है। और ऐसे में जो देश के हिंदू हैं वो चाहते हैं कि देश की सरकार वहाँ उनके लिए भी कुछ करे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।